नमस्ते, मेरा नाम विकास है। मैं 2017 से किडनी पेशेंट था, तो मैंने बहुत सी जगह दिखाया, बहुत सी जगह जिसने बताया मैं वहां गया, तो मेरे को कहीं से अपना इलाज मिल नहीं पाया सही से। तो किसी ने सजेशन दिया मेरी मम्मी को कि बत्रा हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट डी डॉक्टर डी मुखर्जी बैठते हैं, उनके पास जाके एक बार अपने बेटे को ले जाओ। तो मेरी मम्मी और मैं आया, डॉक्टर डी मुखर्जी से मिले, तो सर ने मुझे देखा, तो सर ने बताया था कि आपको अगर लंबी लाइफ जीनी है अपनी तो ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो मेरी मम्मी थी, तो मेरी मम्मी ने उनसे बोला ठीक है सर जी, मैं अपने बेटे को किडनी दूंगी, डोनर मैं बनूंगी। तो मेरी मम्मी ने यह फैसला लिया कि मैं अपने बेटे को किडनी दूंगी। तो डॉक्टर डी मुखर्जी ने हमारे को बोला था ट्रांसप्लांट करवाओ, ट्रांसप्लांट की हमें डेट मिली नहीं थी, तो डेट नहीं मिली तो मेरे को बीच में कोविड हो गया। कोविड होने के बाद मेरी डायलिसिस भी चलती थी यहाँ पे, तो डायलिसिस मेरी पर्सनली करवाई सर ने, डी मुखर्जी सर जी ने, और ट्रीटमेंट करा मेरा कोविड का। तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी कोविड के टाइम, मेरा शरीर ना काम नहीं करता था क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी कोविड में, किडनी पेशेंट था मैं। तो उससे रिकवर करवाया मेरे को सर ने, डॉक्टर डी मुखर्जी ने, और फिर हमारे मेरे को 15 दिन क्वारंटीन रखा। उसके बाद मेरा नेगेटिव हुआ थोड़ा, तो हमें 4 वीक बाद हमें डेट दे दी गई। तो उसमें सर जी ने हमारी बहुत हेल्प करी, डॉक्टर डी मुखर्जी ने, मेरी डायलिसिस फ्री करवाई, और डायलिसिस अलग होती थी मेरी कोविड वाले टाइम। और फिर जब डेट मिली हमें, तो हमें 28 जुलाई की डेट